ओके सर, देन दिस इज पार्ट फोर चैप्टर नंबर फाइव, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस। ओके, तो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंसेस। डिफरेंसेस क्या क्या था ऋग्वेदा के टाइम पर। आर्कियोलॉजिस्ट थिंक दैट द ऑब्जेक्ट फाउंड विद अ स्केलेटन प्रोबेबली बिलोंग्स टू द डेड पर्सन। आर्कियोलॉजिस्ट को ये पता चला कि जो स्केलेटन जो इनको मिला, ये जो भी था ये डेड पर्सन का था। समटाइम्स मोर ऑब्जेक्ट आर फाउंड इन वन ग्रेव दैन इन अनदर। कभी कभी कुछ डेड बॉडी के साथ कुछ और भी इनको मिल जाता था। फाइंड ब्रह्मगिरी ऑन मैप टू पेज नंबर 14 में, हियर वन स्केलेटन वॉज बरीड विथ 33 गोल्ड बीट्स, टू स्टोन्स बेड, फोर कॉपर्स बैंगल्स एंड वन कोच शेल। राइट, तो ये बता रहा है कि जिस पेज नंबर 14 मैप 2 के अंदर ब्रह्मगिरी करके एक जगह है, वहाँ पे जब उन लोग ने आर्कियोलॉजिस्ट को जो ये बरियल मिला, तो उस बरियल के साथ साथ उनको मिला 33 गोल्ड बीट्स, टू स्टोन बीट्स, दो पत्थर का बीट्स, गोल्ड का बीट्स, चार कॉपर बैंगल्स मिला उनको, वन कॉन्च सेल मिला उनको, शंख जो बोलता है। अदर स्केलेटन हैव ओनली फ्यू पॉट्स, कुछ स्केलेटन जो होता है उसमें सिर्फ फ्यू बोट्स होता है। ये ब्रह्मगिरी कहाँ पे आया, जैसे कि हम लोग ये इंडिया के मैप के अंदर अगर देखेंगे तो ये ब्रह्मगिरी आया है यहाँ पे सीयर। राइट, ये ब्रह्मगिरी यहाँ पे है इंडिया के, मतलब ये है शायद केरला है, तमिलनाडु, कर्नाटक में आया हुआ है। राइट, कर्लून केव्स कर्नाटक में आया। तो ये जो ब्रह्मगिरी जगह है, यहाँ पे इन लोगों को इनके बरियल्स के साथ साथ इनको बहुत सारे चीज़ें इनको मिला गया। जैसे कि देखो, अभी हमारे क्रिश्चियंस के अंदर अगर कोई दफनाया जाता है तो उसके साथ हर एक बाइबल को हम लोग रखा जाता है, ताकि उसको याद में रहे कि भाई बाइबल भगवान जो है उनके साथ रहे, ऐसा सोच के हम लोग एक विश्वास है। ये सबका एक विश्वास था कि भाई इनके साथ मरने के बाद कुछ इनके साथ रखा जाता है। राइट, तो कुछ लोग जो होते हैं बहुत उनको, जैसे कि अभी कोई कोई मर जाता है उसको अगर बहुत पसंद होगा शायद उसको बुक और रीड करने का या पेन होता, तो उसके साथ रखा जाता है, ताकि भाई ये सोचता है, एक विश्वास होता था कि भाई ये अगर ये जाग रहा है, जैसे कि देखो सब जगह पे लिखा हुआ है कि मरने के बाद हमको जागना पड़ता है, एक दिन भगवान बुलाएगा तो हमको सबको मरे हुए को भी जगाएगा, ऐसा बोल रहा है इतिहास बता रहा है। मतलब ये चीज़ जो विश्वास जो है वो आगे बढ़कर इनके साथ ये सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि भाई इनका आत्मा भटकते रहे, उनको कुछ दिया नहीं, ऐसा सोच कर नहीं करते हैं। दिस फाइंड्स सजेस्ट दैट देयर वॉज सम डिफरेंस इन स्टैचूज अमंग द पीपल हु वेयर बरीड, सम वेयर रिच अदर पुअर, सम चीफ अदर पुअर। और ये जो बरियल जो है, और एक चीज़ हमको ये आर्कियोलॉजिस्ट को समझाता है कि भाई जिसके पास इतना कीमती चीज़ रखा गया, इसका मतलब ये है कि ये कोई रिच पर्सन से बिलोंग्स है, ये कोई रिच पर्सन से बिलोंग्स है। क्योंकि गरीब लोग अगर गरीब होता तो वो शायद इसके पास ऐसा कुछ होता नहीं, अगर ये अमीर है इसलिए। दैट्स वाई दे द पर्सन दैट डाइड एट द बरियल्स द आर्कियोलॉजिस्ट गॉट, दैट्स मीन्स दिस टाइप ऑफ द थिंग्स दे आर गेटिंग, दैट्स मीन्स द पर्सन इज वेरी रिच। एंड द पर्सन दोस आर नॉट गेटिंग एनी थिंग, दैट इज मीन्स दैट इज द पर्सन इज बिलोंग्स टू पुअर फैमिली। अंडरस्टूड, तो दिस आर द थिंग्स दैट आर देयर। सेकेंड इज वेयर सम बरियल स्पॉट्स मीन्ट फॉर सर्टेन फैमिलीज। सो दिस समटाइम्स मेगालिन्स कंटेन मोर देन वन स्केलेटन। कभी कभी क्या होता है कि इनको मेगालिन्स में कभी कभी इनको एक से ज़्यादा स्केलेटन इनको मिल जाता है। तो ये बता रहा है कि भाई शायद ये एक ही फैमिली से अगर हो सके, क्योंकि देखो क्रिश्चियंस के बारे में मुझे मालूम है कि मुस्लिम्स के बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन क्रिश्चियंस के बारे में हमारे में ऐसा होता है कि फैमिली कब्रस्तान बोलता है उसके अंदर। फैमिली कब्रस्तान मतलब एक छोटा सा एक गड्ढा होगा जिसके अंदर हम लोग अगर फैमिली के अंदर, जैसे कि पापा मम्मी अगर उनके दो बच्चे बेटा बेटी उनका फैमिली अगर है, बेटी का नहीं आएगा, बेटा दो बेटे हैं उनका जो फैमिली है, अगर इनमें से कोई भी सडनली डेथ हो जाता है, एक का डेथ हो गया, पापा मान लो पापा चला गया तो उनका उसके जगह पे पापा को डाल दिया, उसके बाद अगर मान लो कल बेटे का हो गया तो बेटे को उसके अंदर डाल, इसको फैमिली बरियल्स बोला जाता है। राइट, तो ये जो हो सकता है कि यहाँ पे मेगानिस के अंदर यहाँ पे ये बता रहा है कि भाई अगर एक कब्रस एक क्या बोलता है इसको एक गड्ढे के अंदर अगर दो स्केलेटन मिलता है, तो इसका मतलब ये है कि वो रिलेटेड टू द वन फैमिली।
द बॉडीज ऑफ दोस हु डाइड लेटर वेयर ब्रॉट इन टू द ग्रेव थ्रू द पोर्ट होल्स स्टोन्स सर्कल्स और बाउंडलेस प्लेस्ड ऑन द सर्फेस प्रोबेबली सर्व्ड एज सिंक पोस्ट टू फाइंड द बरियल साइट सो दैट पीपल कुड रिटर्न टू द सेम प्लेस वेन एवर दे वॉन्टेड टू। और वहाँ पर कुछ निशानियाँ रखा जाता है कि भाई पत्थर से, गोल पत्थर से या कुछ रखा जाता है वहाँ पर, ताकि ये कि अगर उन लोगों को कभी याद आए, जैसे कि हम लोग कब्रस्तान में कुछ पत्थरों में लिख के रखते हैं उनका डेट लगता है, जैसे अभी मेरा पापा का है तो वहाँ पर नाम लिखा गया है राइट सो एंड सो दिस पर्सन एंड सो डेट ही वॉज बॉर्न एंड सो एस ऑन डेट ही वॉज डेथ राइट। ये चीज़ को वहाँ पर रखा, अगर कोई बाहर का कोई लोग आता है तो वहाँ पे उनको पता चले भाई ये फलाना फलाना आदमी का यहाँ पे डेड बॉडी उसका पड़ा हुआ और ये फैमिली से उसका रिलेटेड है ना। तो ये तभी तो लिखा नहीं जाते थे, लेकिन इन लोग पत्थरों को रखकर ये बताता था कि भाई किसी ना किसी की फैमिली से रिलेटेड है। स्पेशल बरियल्स एट इनामेगोन, फाइंड इनामेगोन ऑन मैप टू पेज नंबर 40। इट इज़ ए साइट ऑन द रिवर गोद, गोद राइट। ये जो है इनामेग, जो अपन इंडिया का मैप में अगर देखेंगे तो ये शायद मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में आया हुआ है राइट। ये इनामेगोन यहाँ पे मुंबई का नीचे ही है, तो ये एक रिवर का बाजू में पड़ा हुआ है और यहाँ पे कौन सा रिवर गोद, ए ट्रिब्यूटरी ऑफ भीमा, ट्रिब्यूटरी मतलब जहाँ नदी का पानी जो होता है समुंदर तक वो पहुँचता है, दैट इज़ कॉल्ड महादेव। इसके बाजू में एक गोदावरी, गोदावरी करके एक रिवर जा रहा है जहाँ पे ये जो अपने यहाँ पे देख, तो यहाँ पे ये ट्रिब्यूटरी जो जा रहा है ना, तो दे आर मीटिंग टू द सी, दैट इज़ कॉल्ड ट्रिब्यूटरी ऑफ द भीमा। इट वॉज ऑक्युपाइड बिटवीन 3600 एंड 2700 ईयर्स एगो राइट। हियर अडल्ट जनरली बरीड इन द ग्राउंड लेड आउट स्ट्रेट विथ द हेड टूवर्ड्स द नॉर्थ। समटाइम्स बरियल्स वेयर विथ इन द हाउस वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर वेयर प्लेस्ड विथ द डेड। देखो अभी इनका जो रिवाज जो है वो कैसा है, ये 3600 साल पहले की बात है राइट। और इनका रिवाज ये है कि उनको सीधा सुलाया जाए अंदर और उनका हेड जो है वो नॉर्थ की तरफ रहेगा। समटाइम्स बरियल्स विद वेयर विथ इन द हाउस वेसल्स दैट प्रोबेबली कंटेन फूड एंड वाटर। और कभी कभी इन बरियल के साथ उनको खाना, जो भी अच्छा खाना है वो बना के उसके बाजू में रखा जाता है। कभी कभी उनको कुछ पसंद है, फूड क्या है, वाटर, ये सब कुछ वहाँ पे रखा जाता है। ये एक विश्वास उनको कि भाई ऐसा बना के उनको बहुत पसंद है। जैसे कि हम लोग भी कभी कभी घर पे अगर कुछ अच्छा करी कुछ बनाता है या अच्छा कुछ फूड बनाता है तो हम लोग ये बोलते हैं कि भाई पापा को ये बहुत पसंद था या दादा को बहुत ये पसंद था या दादी को बहुत पसंद था, हम लोग बताते ना। तो ऐसा ही इन लोग भी अपने विश्वास के ऊपर कुछ ना कुछ वहाँ पे रखा करते थे। वन मैन वॉज फाउंड बरीड इन ए लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार इन कोर्टयार्ड ऑफ ए फाइव रूम्ड हाउस, वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउस एट द साइट इन द सेंटर ऑफ सेटलमेंट। दिस हाउसेस हैड ए ग्रेनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन सेंटर ऑफ द सेटलमेंट। दिस हाउस द बॉडी ऑल्सो हैड ए ग्रेनरी। द बॉडी वॉज प्लेस्ड इन क्रॉस लेग्ड पोजिशन राइट। तो ये है उनका डेड बॉडीज़ को रखने का स्टाइल, यानी कि वन मैन वॉज फाउंड बरीड, एक आदमी का बरीड तो ऐसा मिला जैसे कि लार्ज फोर लेग्ड क्ले जार, चारों तरफ उनको क्या मिला, मिट्टी का बनाया हुआ जार। कोर्टयार्ड ए फाइव रूम्ड, पांच रूम है उसके अंदर। वन ऑफ द लार्जेस्ट हाउसेस एट द साइट, उसके अंदर बड़ा सा एक रूम। और सेंटर ऑफ द सेटलमेंट, बीच में रखने का। दिस हाउसेस ऑल्सो हैड ए ग्रेनरी। द बॉडी वॉज प्लेस इन द क्रॉस लेग्ड पोजिशन, क्रॉस लेस पोजिशन यानी कि क्रॉस जैसा होता है वैसा उसको रखा गया। ओके नाउ ये था उनका स्पेशल बरीड्स। अभी ऑक्यूपेशन क्या क्या है उनका, आर्कियोलॉजिस्ट हैव फाउंड सीड्स ऑफ वीट राइट। उनके पास उस टाइम में उन लोग क्या किसके ऊपर डिपेंड रहता था, सीड्स ऑफ वीट के ऊपर, गेहूँ के ऊपर, बार्ली, राइस, पल्सेस, मिलेट, पीस एंड सीसम। बोन्स ऑफ ए नंबर ऑफ एनिमल्स मैनी बियरिंग कट मार्क्स दैट स्लो दे मे हैव बीन यूज एज फूड हैव ऑल्सो बीन यू फाउंड। दिस इंक्लूड कैटल, बफेलो, गोट, शिप, डॉग, हॉर्सेस, एस, पिग, सांबर, एस मतलब जो डोंकी का शेप में है ये,
सेम होता है, ये जंगली एस होता है, पिग, संभार, स्पॉटेड संभार, मतलब इट इज हो सकता संभार नहीं, इट इज़ वन टाइप ऑफ एनिमल्स, स्पॉटेड डियर, डियर जो होता है उसके ऊपर बहुत स्पॉट होता है, ब्लैक बक, एंटीलोप, हेयर एंड मंगूस, बिसाइड बर्ड्स, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब एंड फिश, दिस देयर इज एविडेंस दैट फ्रूट्स सच एज बेर, आमला, जामुन, डेट्स एंड वेराइटी ऑफ बेरीज वेयर कलेक्टेड, यानी कि कुछ बरियल के साथ साथ तो उनको ये सब चीज़ें मिला भी हुआ, तो ये पता चलता है कि भाई इनके टाइम पर ये सब फूड्स हुआ करता था। ओके, तो ये है चैप्टर नंबर 5 का पूरा स्टोरी। इसके अंदर मैंने वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल्स के बारे में बताया, द स्टोरी ऑफ द मैगलिन्स के बारे में बताया, फाइंडिंग अबाउट द सोशल डिफरेंस बताया मैंने, बरियल स्पोर्ट्स बताया मैंने, इनामिग्रेशन बताया मैंने, राइट, और वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक्स बुक्स के बारे में बताया, और स्टडीज किस तरह से उन लोगों ने स्टडी किया उसके बारे में बताया, कैटल्स, हॉर्स एंड चैरियट्स क्या क्या है उसके बारे में बताया। ओके, तो इसको पेज नंबर आप इसको रीड करना पूरा चैप्टर को और समझने की कोशिश करना, और अभी इसके बाद मैं कुछ PDF में भेजूँगा कीवर्ड्स और ये सब कुछ, और उसको अपना फेयर बुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।